हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू विल बी ऑल राइट। आज का टॉपिक हमारा लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। आज हम जानेंगे कि लाइब्रेरी में जो ऑटोमेशन है वो क्या है, उसकी प्लानिंग कैसे होती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकता है। राइट, दीज आर कंटेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की कि भाई है क्या ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन। मे बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स टू परफॉर्म ट्रेडिशनल लाइब्रेरी हाउसकीपिंग एक्टिविटीज सच एज एक्विजिशन, सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग, रेफरेंस एंड सीरियल कंट्रोल्स। लाइब्रेरी में जो भी हमारी हाउसकीपिंग एक्टिविटीज होती हैं, एक्विजिशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, कैटलॉगिंग हो गया, या रेफरेंस सीरियल कंट्रोल सर्विसेज हो गई, तो ये सारी सर्विसेज को करने के लिए मैनुअल रूप से ना कर कंप्यूटर या एप्लीकेशन के माध्यम से उनको रन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन। जैसे हम जानते हैं कि ऑटोमेशन का मतलब ही होता है ऑटोमेटिक तरीके से, यानी कि स्वचालित रूप से मशीनों के माध्यम से हम अपने स्टाफ को और अपनी एक्टिविटीज को चलाते हैं। राइट, अबाउट लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ द कंप्यूटर टू ऑटोमेट द टिपिकल प्रोसीजर ऑफ ए लाइब्रेरी सच एज कैटलॉगिंग एंड सर्कुलेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का अर्थ होता है कि हमारी लाइब्रेरी के जो टिपिकल प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि हो गया कैटलॉगिंग, हो गया सर्कुलेशन, हो गया, उनको कंप्यूटर के माध्यम से ऑटोमेटेड करना इनका काम होता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का। इन दिस प्रोसेस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन ए लाइब्रेरी मेक्स द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट इट्स सिस्टम एंड सर्विसेज। अपने सिस्टम और सर्विसेज के सपोर्ट करने के लिए कंप्यूटर और अदर टेक्नोलॉजी का यूज करता है लाइब्रेरी को ऑटोमेट करने के लिए। लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज द कन्वर्जन ऑफ ए लाइब्रेरी लाइब्रेरी प्रोसीजर फ्रॉम मैनुअल टू कंप्यूटराइज। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन कुछ नहीं है, लाइब्रेरी के जो प्रोसीजर है उनका कन्वर्जन है। जैसे पहले मैनुअली होता था सब काम, अब वो कंप्यूटराइज हो रहा है। जैसे कि आपका हो गया कार्ड कैटलॉगिंग टू ओपेक, पहले कार्ड कैटलॉग के थ्रू होता था, अब हो रहा है ओपेक के थ्रू। वेब के माध्यम से आप सर्च कर सकते हो कैटलॉगिंग को। और फ्रॉम मैनुअल सर्कुलेशन कार्ड्स टू एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, मैनुअल सर्कुलेशन से इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम पे आ गए। राइट, ऑटोमेशन इज ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग मशीनरी फॉर इजिली वर्किंग एंड सेविंग ह्यूमन पावर एंड टाइम। ऑटोमेशन मशीनरी के माध्यम से हमारे काम को आसान करने और ह्यूमन पावर और समय को बचाने की एक प्रक्रिया है। द मेन पर्पस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज टू फ्री द लाइब्रेरियंस लाइब्रेरी स्टाफ। इसका जो मेन पर्पस है वो लाइब्रेरियंस और लाइब्रेरी स्टाफ को फ्री करना है। जब ऑटोमेटेड हो जाएंगे तो कई सारे काम ऑटोमेटिक तरीके से होंगे, तो हमारा एफर्ट्स जो होता है हमारा वो कम लगेगा। राइट, तो लाइब्रेरियंस हो गया और लाइब्रेरी स्टाफ को फ्री हो जाएंगे, तो उस फ्री टाइम में वो सोच सकेंगे लाइब्रेरी के लिए एंड टू अलाउ देम टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर मीनिंगफुल टू द स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। राइट, जैसा कि बताया अभी, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में बहुत आसानी होगी, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकेंगे वो। इन लाइब्रेरी साइंस ऑटोमेशन इज द टेक्नोलॉजी। लाइब्रेरी साइंस में ऑटोमेशन एक टेक्नोलॉजी है जो कि कंसर्न करती है विद डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड सिस्टम। एक प्रोसेस और सिस्टम को डेवलप और डिजाइन करने में मदद करती है, दैट मिनिमाइज द नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन। जो ह्यूमन की जो नेसेसिटी है इंटरवेंशन की, उसको मिनिमाइज कर देता है। राइट, लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्लानिंग। अब बात करते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्रिएट और डेवलपमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए या क्रिएट करने के लिए एक प्लानिंग बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और वो होनी भी चाहिए। विदाउट इट आवर प्लान विल बी फेल। राइट, इन द सेंस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्लानिंग through study of the library's existing system as well as the library vision is necessary to enable you to prepare a good technology plan and project proposal. Library automation के लिए जरूरी है कि हमारे existing library है वो कैसी है और हमारा vision क्या है, उस हमारी vision की आवश्यकता क्या है, उसको देखते हुए technology plan और project का proposal बनाया जाएगा, उस हिसाब से prepare किया जाएगा planning के through, है ना। without planning करेंगे हम तो फिर fail जाएगा सब। right, तो हु शुड बी प्लान ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का जो प्लान कर रहे हैं हम, वो किसको करना चाहिए। राइट, लाइब्रेरी अथॉरिटी हो गई, अथॉरिटी शामिल है उसमें लाइब्रेरी कमेटी हो गई, लाइब्रेरी और लाइब्रेरी स्टाफ हो गया, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हो गए और इंजीनियर हो गए। राइट, नाउ स्टेप्स ऑफ प्लानिंग फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन। इसके स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव्स और विजन, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ लाइब्रेरी, रिक्वायरमेंट गैप, फिजिबिलिटी, टेक्नोलॉजी प्लान, प्रोजेक्ट प्रपोजल और अप्रूवल ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट। इसके बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। ऑब्जेक्टिव्स और विजन, आपके विजन क्या है आपको लाइब्रेरी को लेकर, कि आपको अपनी लाइब्रेरी जो है वो उसको कहाँ तक ले जाना है।
ए विजन इज ए ड्रीम, ये ड्रीम होता है। इट इज ए विव्ड पिक्चर ऑफ व्हाट यू वुड लाइक टू लाइब्रेरी टू बिकम इन द नियर फ्यूचर। आप निकट भविष्य में अपनी लाइब्रेरी को कैसे बनाना चाहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द मिशन ऑफ योर लाइब्रेरी, आपके मिशन लाइब्रेरी के मिशन पर बेस्ड होता है। द नीड ऑफ यूजर्स, आपके यूजर्स की नीड, एंड ऑन द ट्रेंड्स इन द लाइब्रेरी सर्विस में, जो भी ट्रेंड्स चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। विजन प्रोवाइड डायरेक्शन एंड इज फिलोसफी फॉर द लाइब्रेरी, ये आपको एक डायरेक्शन प्रदान करता है, एक फिलोसफी ऑफ द लाइब्रेरी, राइट। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ लाइब्रेरी, आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है लाइब्रेरी, उसकी नीड क्या है, राइट। तो इसको जानने के लिए हमको उसको जानना जरूरी है, हमारे प्रेजेंट स्टेटस क्या है। लाइक नेचर ऑफ लाइब्रेरी, इट्स पर्पस, टोटल कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी कितना है, आपका नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, डेली सर्कुलेशन कितना होता है, नंबर ऑफ मल्टी लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज कौन कौन से प्रोवाइड करा रहे हैं आप, अवेलेबल स्टाफ कितना है आपके पास, वर्किंग प्रोसेस ऑफ लाइब्रेरी कैसी है, और यूजर की नीड्स क्या है। इन सबको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइब्रेरी को ऑटोमेट कर पाओगे। पता चला आपकी लाइब्रेरी छोटी सी है, यूजर्स कम आते हैं, तो आपको ऑटोमेटेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कई बार, राइट। सोर्स ऑफ डाटा, डाटा का सोर्स क्या है, स्टेटिस्टिक्स हो सकता है, स्टाफ प्रोफाइल हो सकती है, और पैटर्न की प्रोफाइल, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट क्या है, बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल स्टेटस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, आपका जो एक्चुअल स्टेटस है और आप जो अपनी लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके जो उद्देश्य हैं, आप कैसा चाह रहे हो, उसके बीच में कितना गैप है, तो उसको एनालाइज करना चाहिए आपको। द सिस्टम रिक्वायरमेंट कैन बी डिटरमाइंड, तो आपको उस हिसाब से पता चलेगा आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। फिजिबिलिटी, इमीडिएटली आफ्टर द एनालिसिस एंड डिजाइन फॉर द सिस्टम हैज बीन कंप्लीटेड, ये सब होने के बाद फिजिबिलिटी स्टडी मेट भी कंडक्टेड की जानी चाहिए। इट इज डिजाइन टू आंसर, ये सब किस लिए की जाती है, ये आपको कुछ आंसर्स मिल जाएंगे जिससे। इज द प्रपोज सिस्टम पॉसिबल, जो आप करना चाह रहे हो वो पॉसिबल है। इज इट नेसेसरी, क्या वो आवश्यक है। वॉट अदर ऑप्शन आर अवेलेबल, कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। जरूरी नहीं हमको ऑटोमेटेड करना है, हमारे पास फंड है नहीं हम ऑटोमेटेड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद सब चीज होंगी। इज इट अफोर्डेबल, जैसा कि मैं कह रहा था, या आपका बजट है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज रिपोर्ट टू मैनेजमेंट, बाकी एंड स्टडी मैनेजमेंट करता है। टेक्नोलॉजिकल प्लान, द टेक्नोलॉजिकल प्लान शुड बी रिटन डॉक्यूमेंट कंटेंट्स, कौन कौन सा, विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कॉम्पोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ नीड और अचीव द विजन, स्पेसिफिकेशन फॉर योर सिस्टमेटिक रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल एस्टिमेट्स, एक्शन प्लान एंड टाइम टेबल फॉर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये सब होने के बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, उसका प्रपोजल लेके आपको मैनेजमेंट के पास जाना होता है, राइट। प्रोजेक्ट प्रपोजल शुड बी बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल प्लान, आपका जो प्लान है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। प्रोजेक्ट प्रपोजल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रेजेंटेशन टू फंडिंग एजेंसीज, फंडिंग एजेंसी को बताना तो पड़ेगा हमको हमारा क्या है प्रोजेक्ट, हम क्या सोच रहे हैं, राइट। तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल लेके जाना पड़ेगा अथॉरिटी के पास। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इज ए फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर ए बिड फ्रॉम सप्लायर टू द सिस्टम। द आरएफपी यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इज ए कॉम्प्रेहेंसिव डॉक्यूमेंट द प्रोवाइड द वेंडर विद द आउटलाइन पर्पस स्कोप डिस्क्रिप्शन मिनिमम रिक्वायरमेंट इटीसी फॉर द सिस्टम। Some steps for prepared for RFP are following, like writing RFP, approval of request quotation, receiving proposal from vendors, है ना, vendors से भी proposal आता है, evaluation proposals, preparing a short list of vendors, vendors की list कराने के बीच हम जिससे काम कराना चाह रहे हैं, requesting a demo of the system, demo मंगाना, purchasing the system, system को purchase भी करना होगा, preparing the contract, delivery installation of system, right, and evaluation of installed system, जो आपका installation हो चुका है उसका evaluate भी करना है। Selection of hardware, Pentium 4, RAM, hard disk आपके collection के अनुसार, cartridge type drive होनी चाहिए, floppy drive, CD drive, USB card और pin, VGA color monitor, 8 port intelligent IO card, internal modem, cables, fiber optics, coaxial and twisted pair, scanner, printer, barcode scanner, sensor system, टेलीफोन कनेक्शन ईटीसी, इन सब चीजों का सिलेक्शन जो जरूरी है लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए, राइट। सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर की बात आ गई, हार्डवेयर तो सिलेक्ट कर लिया, अब सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना है हमको। डिटरमाइन द बेस्ट पैकेज फॉर अवर लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा उसको अपन को डिटरमाइन करना पड़ेगा, राइट। एनालाइज एंड आइडेंटिफाई अवर नीड्स अपनी आवश्यकता के अनुसार एंड मैच इट विद द फीचर एंड फंक्शंस ऑफ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। At present, a lot of library software are available in the market in which we can choose any software
दैट विल फुलफिल द विजन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ लाइब्रेरी ऑटोमेशन राइट। तो कई सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, जैसे कि इलिप्सिस है, अभी सोल है राइट, कुहा तो ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लाइब्रेरी ऑटोमेशन इम्प्लीमेंटेशन, अब प्लानिंग हो गई, अब हमको इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑटोमेट द लाइब्रेरी एंड अप्रूव द प्लान। आफ्टर परचेसिंग अवर सिस्टम वी मस्ट मेक इट ऑपरेशनल, दस इवन बिफोर वी परचेज अवर सिस्टम वी मस्ट डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज। हमें इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी पहले बना लेनी चाहिए, विच शुड इंक्लूड, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ेगा राइट, विदाउट एलोकेटिंग रिसोर्स हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन फॉर हार्डवेयर, अब हार्डवेयर सिलेक्ट कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंटेशन फॉर सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर को भी उसमें इम्प्लीमेंट करना है। डाटा कन्वर्जन, अब डाटा को कन्वर्जन करना पड़ेगा राइट, पहले हमारा लाइब्रेरी मैनुअल थी तो उसको हमको ऑटोमेटेड कर रहे हैं, तो सारा डाटा हमको ऑटोमेटेड चाहिए राइट, तो हमको सारा उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा डाटा कन्वर्जन। इम्प्लीमेंटेशन फॉर सिस्टम मेंटेनेंस ट्रेनिंग, हम हमारे स्टाफ को हमको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले वर्क नहीं किया होगा उन्होंने ऑटोमेटेड पे, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी तभी वो काम कर पाएंगे। मेकिंग चेंजेस एज नेसेसरी, और जो भी चेंजेस नेसेसरी हो आवश्यकता के अनुसार उसको चेंज करना पड़ेगा। डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन, कई बार डिफिकल्टीज भी आती हैं, क्या डिफिकल्टीज आती है। लैक ऑफ स्टाफ प्रिपरेशन फॉर ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, हम अपनी लाइब्रेरी को ऑटोमेटेड करने जा रहे हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके लिए लाइब्रेरी स्टाफ को प्रिपेयर नहीं करते, तो ये कहीं ना कहीं कमी होती है। डाटा कन्वर्ज, डाटा कन्वर्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जितना भी डाटा है अगर सही से इम्प्लीमेंट नहीं होगा सिस्टम में तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, तो डिफिकल्टीज ये भी आती है। कई बार सही से नहीं हो पाता, लैक हो जाता है कई बार डाटा राइट। लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है और एक्सपर्टाइज की कमी हो जाती है, हमारे पास ट्रेंड स्टाफ नहीं होता है। टर्न आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव, कई बार ज्यादा खर्चा हो जाता है तो हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है हमको, हम अपनी लाइब्रेरी में करना चाहते हैं बट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं देता है, बोलता है काम चलाओ, तो इसमें भी दिक्कत आती है। की फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ की फैक्टर्स दिए गए हैं जो कि इस प्रकार। सपोर्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट बहुत जरूरी है, विदाउट उसके हम इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं कर सकते। स्टाफ कॉम्पिटेंस, स्टाफ का कॉम्पिटेंस होना चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट, प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेजेंस होना जरूरी है, विदाउट अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास अच्छी जगह नहीं है, लोकेशन नहीं है, तो हम नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। अवेलेबल डाटा, हमारे पास डाटा का अवेलेबल होना जरूरी है। एक्सीलेंट मैनेजरल स्किल फ्रॉम कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं उनकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एक्सीलेंट होनी चाहिए राइट। यूजर इंटरफेस अच्छा होना चाहिए। तो ये थी आज की पीपीटी, थैंक यू।